ढाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, डरो मत, मैं हूं। और ये सब बातें याद रहेगा ना तो उसके काम करने में क्या मजा आएगा, क्या मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। कुछ नहीं हो रहा है, मत होने दो, मेरे को क्या करना, प्रभु तेरा काम तू चाहता है मैं करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। मेरे को तू अपने गवाही देने को बोला, मैं गवाही देता हूँ। ईमानदारी से रहने को बोला, ईमानदारी से रहता हूँ। दुनियादारी से दूर रहने को बोलता है, रहूँगा। ये गॉसिप वगैरह से दूर रहने को बोलता है, दूर रहूँगा। डर्टी पॉलिटिक्स में मत जाने बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा। अपने परिवार को ध्यान दे कहता है, ध्यान दूंगा। अपने मोहल्ले पे ध्यान दे बोलता है, ध्यान दूंगा। अपने काम पे तो गवाही को प्रस्तुत कर करूँगा। लोगों को जितना मिलता है तो समाचार को सुनाऊँगा। बोलने से ज़्यादा अपने जीवन को दिखाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की, यीशु सहाय। मैं असली में ये वाली मिनिस्ट्री लेक्चर्स जो हैं लॉकडाउन के कारण अपने चर्च के लिए करने का सोचा था और किया, और एक दो के बाद फिर निरंकार मिल गए और उन्होंने इसको दूसरे तरह से इसका रूप दिया, और फिर ये थोड़ा ज़्यादा वाइड मतलब सर्कुलेशन में चले गया, और फिर उसमें मैं भी इसको कई लोगों के साथ जोड़ता गया, क्योंकि मैं मैसेंजर फॉर क्राइस्ट टीम में मैं एक सेवकाई करता था, और ये मैसेंजर फॉर क्राइस्ट टीम में मुझको इंट्रोड्यूस किया थे पादरी पन्नालाल ने। तो मैं सोचा था कि पादरी पन्नालाल के बारे में कुछ बताऊंगा, तो रूपेश को खोज रहा था, उसका फ़ोन नंबर कहीं मेरे को मिल नहीं रहा था। फिर ले दे के जब मिला तो हुआ, बातचीत हुआ, तो मैंने बोला कि रूपेश देखना बेटा, जैसे कि प्रोग्राम एक भेजता हूँ मैं, इसके अनुसार तुम पहले शुरू करना एक गीत गाना, उसके बाद मैं बोलूँगा, फिर तुम चूँकि पादरी हो आशीष दोगे, और उसके बाद अपन सभा खत्म करेंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो छः सब कुछ हो गया। दूसरे दिन जो है फिर उसने फ़ोन किया कि बोले भैया आप जो है 23 तारीख के लिए किए हैं ना। बोला हाँ 23 तारीख को, मतलब ये 16 के पहले की बात है ना, उस हफ्ते में चल रहा था। मैं बोला हाँ 23 तारीख के लिए। तो बोले कि उस दिन पापा का बर्थडे है। मैं एकदम सन्न हो गया। मैं बोला पादरी साहब के बारे में ही मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझको मैसेंजर में इंट्रोड्यूस किया था और आगे बढ़ाया था, तो उस दिन उनका जन्मदिन है, तो ये तो बहुत और अच्छी बात है। तो मैं बोला कि रुपेश ठीक है, मैं अपन बहुत अच्छा हो गया, तो ये परमेश्वर की योजना थी कि हम इस दिन पर उनके जन्मदिन पर इस प्रकार से मिले और उनको याद करें। अब देखिए पादरी पन्नालाल के चार लड़के, उनमें से ये तीसरा है रूपेश पन्नालाल। ये जो है हमारे मैसेंजर्स के साथ में था, और हम लोग रेडियो प्रोग्राम वगैरह जो है युवा दर्पण वगैरह में भी ये भी हम साथ में थे, और कुछ कुछ ऐसा रिट्रीट्स वगैरह में भी साथ में थे। तो मैं रूपेश के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, रूपेश खुद अपने बारे में बताएंगे कि क्या है, और उसके बाद रूपेश अपना गाना भी देंगे और उस गाना को सुनेंगे, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। खुदावन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस सुंदर सी सेवकाई जो डॉक्टर पी देवदास के द्वारा से आरंभ की गई है। धन्यवाद हो प्रभु का उन पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। विलाप गीत 3:22 में लिखा है, सचमुच हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। मुझे याद आता है 11 सितंबर 1977 की बात है, जब इसी मैसेंजर फॉर क्राइस्टीन के द्वारा से मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सेवा के लिए समर्पित किया, और वहां से मेरे आत्मिक जीवन की यात्रा आरंभ होती है। फिर इसी टीम के साथ मिलकर कई स्थानों में, कई कलीसियाओं में और रेडियो प्रोग्राम्स में आत्मिक गीतों और संदेशों के द्वारा आत्माओं के वचन की सेवकाई का कार्य करने का अवसर मिला। जो थोड़ा प्रभु ने मुझे दिया वह आज भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वर्तमान में मैं नागपुर में माइलस्टोन असेंबली ऑफ गॉड चर्च के चर्च में पासबान के हैसियत से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
दूर कर मेरे गुना, मेरे मसीहा मेरे खुदा, दूर कर मेरे गुना, मेरे मसीहा मेरे खुदा, जीन की राह बता, मेरे मसीहा मेरे खुदा, दूर कर मेरे गुना। पादरी पन्ना लाल जो रूपेश के पिताजी हैं, और रूपेश लोग चार भाई हैं और रूपेश तीसरे हैं। मैं रूपेश बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सामने मेरे बच्चा जैसा है तो पास्टर हैं तो पास्टर साहब भी बोल सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी। तो रूपेश मेरे को माफ़ करना। तो ये देखिए कि रूपेश जो हैं वहाँ पर सेवकाई नागपुर में करते हैं, आपने सुना है, और गीत भी सुंदर गाते हैं, वो भी आपने एक स्टंजा सुना है, बाकी अपन बाद में सुनेंगे जो भी है। लेकिन इनके पिताजी जो हैं वो रेवरेंड पन्ना लाल, ये मेरे कैसा पहचान है, पहली पहचान तो मेरे ससुराल से, ये भी पेंड्रा के हैं, मेरे ससुराल भी पेंड्रा का है, तो उनसे ज्ञानवर्णम लोगों से इनका अच्छा परिचय है और उस कारण से वो मुझको भी जान गए। खैर जो भी जान गए ठीक है। तो ये पन्ना लाल जी यहाँ पर मिनिस्ट्री जो शुरू की है ये बहुत ही तकलीफ में शुरू की है, बहुत मेहनत से शुरू किए हैं। ये कहिए कि परमेश्वर के दास को जिस प्रकार से मतलब सेक्रीफाइस अपना लाइफ करके करता है ना, उसको अप्रिशिएबल है, ऐसा काम उन्होंने किया। रायपुर से 30 किलोमीटर साइकिलिंग करके, उस जमाने में वो क्या 1957 में सड़कें भी ठीक नहीं थी, बंजर था, भिलाई भी ठीक से नहीं था, एक एक सेक्टर इतने इतने दूर में थे कि बिल्कुल वीरान लगता था। आते थे और कहते हैं कि वो सेक्टर 1 के क्लब में रहते थे और शुक्रवार शनिवार इतवार को रह के इतवार को जितने भी कुछ फैमिलीज हैं उनको लेकर मीटिंग करके फिर रायपुर चले जाते थे। इस प्रकार से प्रयास किया उन्होंने और ले दे के फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च को बनाया, जमीन खरीदे, जो भी किए, और सेक्टर 6 में जो चर्च आज खड़ा हुआ है ये पन्ना लाल जी का देन है, पन्ना लाल जी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्हीं का मेहनत है। और पन्ना लाल जी के या सेवकाई मैं बताऊँ, फिर ये एक बार मैं मसला मणि को आंध्रा बाप्टिस्ट चर्च वाले बुलाए थे, तो ओपन एयर मीटिंग था, तो वो तेलुगु में उनसे बुलवा रहे थे, हालांकि वो इंग्लिश भी बोलते हैं, कई रेनोन स्पीकर हैं, केरल वगैरह में बहुत, तमिलनाडु वगैरह में बहुत रेनोन है, मसला मणि नाम है, तो वो बोल रहे थे और चूँकि तेलुगु वाले बुलाए तो तेलुगु चर्च में तेलुगु बोल रहे थे और उसका हिंदी ट्रांसलेशन के लिए मुझको बुलाए थे। तो खैर ट्रांसलेशन के लिए मैं गया और वहाँ पर पादरी पन्ना लाल जी भी आए हुए थे और उन्होंने मीटिंग के बाद मेरे को बोले कि देवदास आपका वॉइस जो है, मतलब भी ऐसा बोले उन्होंने, यू हैव ए वॉइस लाइक ए स्पीकर। तो मैं बोला थैंक यू सर। तो बोले आप सरमन देते हैं क्या, बोलते हैं क्या कुछ? मैं बोला हाँ सर मैं करता हूँ थोड़ी बहुत सेवकाई चर्चेस में, जहाँ पर भी हो हमारे हो तेलुगु चर्चेस में और हमारे लोकल चर्च में मौका मिलता है तो मैं करता हूँ। तो बोले ठीक है, उन्होंने मुझको अपने चर्च में अवसर दिया। और कुछ दिन बाद वो बोले कि मैसेंजर फॉर क्राइस्ट टीम आ रही है, आप उनके साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि
उनके साथ में करोगे तो आपका थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा और काम करने का मौका मिले। मैं बोला बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये प्रभाती मोती वगैरह जो हैं इनके साथ जुड़ा मैं और इनके साथ काम करने लगा। ये मैसेंजर फॉर क्राइस्ट टीम के कुछ समय के लिए पन्नालाल जी डायरेक्टर भी थे। तो ये इन तरह से मैं पन्नालाल जी के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, पन्नालाल जी को बताना चाह रहा था, लेकिन आज जन्मदिन में मेरे को ये बोलने का अवसर मिलेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। सो उनके बच्चों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे पिता के बच्चे हो जो कि मेरे लिए भी एक आदर्श हैं, बहुतों के लिए आदर्श हैं। और वो बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। हॉलैंड में था हम इंटरनेशनल जो आइटिनरेंट एवेंजेलिस्ट लोग का जो था कुछ था हॉलैंड में, वहाँ पर मैं और पन्नालाल जी बहुत से इंडियन लोग थे, मैं और पन्नालाल जी एक ही कमरे में थे और भी अच्छे से समझने का मेरे को मौका मिला। और उनके स्वभाव को सबको मैं बताया था, एक आध लेक्चर में पन्नालाल जी के बारे में कुछ बताया भी था बिली ग्राहम के साथ में वहाँ पर किस प्रकार से हम लोग बैठते थे। खैर जो भी है, ये पन्नालाल जी हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च जो है वो आज उन्हीं का बनाया हुआ है और परमेश्वर ने उनको बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल किए। और उनके जो डेथ हुई बिलासपुर में, वहाँ से जब उनकी बॉडी ला रहे हैं भिलाई पता लगा तो मैं राजनांदगांव से भिलाई भागा और वहाँ पर मुझे बोलने का भी अवसर मिला। मैंने भी उनको यही बताया कि मुझको मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाने का काम जो है पन्नालाल जी ने किया है। सो आई एम सो मच थैंकफुल टू मिस्टर रेवरेंड पन्नालाल जी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई मिनिस्ट्री एंड माई लाइफ एंड इन गाइडिंग मी, मेरे को अगुवाई मेरे जो किए हैं उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम रूपेश के गाने का दूसरा अंतरा सुनेंगे। मैं तो थका और पतित हूँ, मैं तो थका और पतित हूँ, अंधेरा है ये सारा जहाँ, मैं तो थका और पतित हूँ, अंधेरा है ये सारा जहाँ, रोशनी तू दे दे मुझे, रोशनी दे दे मुझे, मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, दूर कर गुनाह। मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल कॉमन चीज़ बात करना चाहता हूँ, सिंपल वे में बात करना चाहता हूँ। मेरे को थियोलॉजी का इसका उसका नॉलेज है ही नहीं, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। मेरे जो कुछ भी है बाइबल है और सुनता हूँ, समझता हूँ, मनन करता हूँ और फिर वो इस चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। देखिए एक चीज़ कि हम मसीही जीवन या कहिए एक अच्छे जीवन, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा कैरेक्टर वाला व्यक्ति और एक अच्छा नाम वाला व्यक्ति, एक सुनामी और एक अच्छे मतलब नाम वाले बनना चाहते हैं, अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं ना, तो हमको चाहिए कि हमारे अंदर में एक हम एक विजय का लव, एक विजय की आशा, एक विजय की इच्छा हमारे अंदर में फलते रहना चाहिए, फलते रहना चाहिए। क्या मसीह में विजय? क्योंकि मसीह में कभी भी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि मसीह जो है जयवंत है, विजयी है। और ये काम जो है विजय, मतलब सवाल ये उठता है कि जीत किससे जीतना है? जीतना हमको पाप के स्वभाव से जीतना है, हमारी बुरी आदतों से जीतना है, बुरे विचारों से हमको जीतना है, बुरे हृदय को हमको कंट्रोल में करना है, संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहना है। मतलब हम संसार में हैं लेकिन मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि एक लकड़ी को पानी में समुन्द्र में फेंक दो, नदी में फेंक दो, तालाब में फेंक दो, तो वो डूबता नहीं है, पानी में ही रहेगा लेकिन ऊपर तैरता रहेगा। जब तक उसको पकड़ के अंदर करोगे तो अंदर जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे फिर भूख से ऊपर आ जाएगा। ये जिंदगी मतलब हमको इस संसार में हमको जीना है, मसीही जीवन है जीना है। हाँ इतना जरूर है कि मसीही जीवन में हमारे लिए तकलीफें आती जरूर हैं। क्या पन्नालाल जी ने क्या तकलीफें सही हैं? साइकिलिंग की है 30-30 किलोमीटर और साइकिलिंग करके उस जमाने में वीराने आना जाना करना, मेहनत करना मामूली बात नहीं है। क्या है आगे? कुछ भी नहीं है।
अभी तो ऐसा है कि नहीं, यानी कि विजन रहता है कि इतना बड़ा चर्च है, ये मिल जाएगा, ये होगा, वो होगा, वो तो ठीक है, अभी कुछ नहीं है मेरे सामने और मुझको काम करना है। तो विश्वास में जाना है, विजय पाना है, और विजय पाना है प्रभु यीशु मसीह में, विजय हमको मिलता ही है। देखिए आज जैसे मसीह जीवन में तकलीफें आती हैं, तकलीफें कौन लाता है? मैक्सिमम तकलीफें जो है शैतान लाता है। और शैतान कौन है? शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान कौन है? इसको अपन अच्छे से बोलना चाहे ना, इज्जत के साथ बोलना चाहे, तो शैतान को हम बोल सकते हैं कि ये एक्स एंजल है। मतलब एक बोलते हैं ना पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, ऐसा करेंगे ना, तो ये पूर्व स्वर्गदूत जी हैं। इसको स्वर्ग से इसको डिसोबीडियंस के कारण धक्का दे दिया गया और हुआ, और फिर इसको इतना पावर भी मिला। यदि हम जाके यीशु मसीह से यदि हम पूछे कि इसको परमेश्वर ने इतना क्यों अधिकार दे दिया है, वापस क्यों नहीं ले लेता है, तो मेरे को लगता है उत्तर ये आएगा कि ठीक है, उनको दिया ना अधिकार, उसके ऊपर तेरे को अधिकार दिए, अब तू उस पर अधिकार कर, उसको अपने कंट्रोल में कर ले, ये अधिकार तेरे को दिया है। और ये कहाँ से मिलेगा? मेरे पर विश्वास कर, मेरे पर तू विश्वास करेगा, तू ही नहीं बेटा, तेरा पूरा घराना, बीवी, बाल बच्चे समेत सब लोग को कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा, इसके बॉस हो जाएंगे। शैतान को हमारे अंदर में कर सकता है, शैतान हमको गिराने की कोशिश करता है। अब शुरू से ही हिस्ट्री में क्या बताऊँ, अपने को मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, संडे स्कूल वाले बच्चों को भी मालूम है ये कहानी, कि अब शैतान गया और जाके क्या बोलता है कि तू इस फल को खाने को मना किया है ना, इसको तुम खाओगे तो तुमको ज्ञान मिल जाएगा। और बोलता है एक चीज़ और मज़ेदार, ये है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, मतलब यू विल बिकम लाइक गॉड, मतलब उसके लाइकनेस में, उसके अनुसार तुम बन जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे, उसके समान हो जाओगे। लालच दिया, क्योंकि जानता है कि यदि आज्ञा का उल्लंघन करा दूं तो ये मेरे अंदर में हो जाएंगे। जब तक ये आज्ञा को पालन करते रहेंगे तो ये मेरे घेर में नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय आदम हव्वा के पास भी इतना कॉमन सेंस होना था, ऐसा सोचता हूं कि वो बोलते परमेश्वर के तुल्य बनने का क्या मतलब, हम तो ऑलरेडी हैं, उसने अपने स्वरूप में हमको रचा है, पूरा अधिकार हमको दिया है, सब कुछ दिया है, तुम राज करो बोला है, फूलो फलो बोला है, सब कुछ है, और तुम हमको बोलते हो कि उसके तुल्य हो जाओगे। ये दिमाग भ्रष्ट कर देता है शैतान, ये दुश्मन जो है हमारे दिमाग को खराब कर देता है, हमारे सोचने की इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग पावर सब कुछ ख़त्म कर देता है, रीजनिंग पावर भी ख़त्म कर देता है। और क्या है कि हमको सब फिर एकदम हम उसके बानिश हो जाते हैं, बानिश मतलब उसको शायद बोलते हैं नौकर हो जाते हैं, उसके अंडर में हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, ये वाला सही शब्द है, उसके गुलाम हो जाते हैं। याद रखना कि परमेश्वर के दास लोग जो सेवकाई किए हैं, जो छे साधु सुंदर सिंह हैं, भक्त सिंह हैं, और जितने भी हैं, कई लोग मैं बोलूं, मैं आंध्रा के एक अंधे हैं जिनका यहाँ मेरा ही नाम देवदास है, और कई लोग हैं जो सेवकाई किए हैं, कैसे सेवकाई किए हैं, मेरे ग्रैंडफादर थे, कैसे सेवकाई किए हैं, मेरी ग्रैंडमदर बैठी रहती थी कि शाम हो गया आए नहीं है, जिंदा आएंगे कि चार जन उठा के लाएंगे, ये माहौल था, ऐसी जगह पर काम किए, कैसे काम किए, परमेश्वर के ऊपर आशीष लेके, मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना मालूम है कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा और परमेश्वर हमारे लिए करेगा। एक विजन है, पाजी पन्नालाल को शायद मेडिकल में जाने का था, हो भी गया था, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ के परमेश्वर के पीछे गए, कहा ये बंजर भूमि में भटकते रहे 57 से भटकते रहे, और पता नहीं कौन से साल में जाके ये वाला चर्च मिला, क्या हुआ, हिस्ट्री आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, मुझको उतना सन वगैरह याद नहीं है, लेकिन इतना है, मतलब क्या है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे अपने दर्द को बयान करना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि स्टीफन गैलहेट करके एक परमेश्वर का दास है जिसकी गवाही मैंने पुस्तक में पढ़ा है और अपने पुस्तक में लिखा भी है। तो स्टीफन गैलहेट जो है उसको एक फेयर था, एक बोलते मेला, एक गांव के मेला में, जंगल के पास एक मेला में उसको जाओ वहाँ प्रचार कर करके आता था। ये बोले वहाँ कौन जाऊँगा, वहाँ पर कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, लिटरेट कोई रहता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, मैं कैसे करूंगा, नहीं जाऊंगा करता रहा, लेकिन इसको अंदर से परेशानी हो रही थी कि तू जा। आखिर में कहाँ जाता हूँ, और गया, जहाँ देखते मेले का टाइम ख़त्म हो गया, कोई नहीं, वीरान सब लकड़ी के गोले लॉक्स पड़े हुए थे, काट काट के, शायद लकड़ी का धंधा वहाँ चलता था।
वहाँ पर बोले क्या करूँ, खुदा तूने मेरे को बोला है ना, मैं काम करूँगा। एक गोले पे खड़ा हो गया और पूरा लेक्चर जो शुरू किया था ना, शुरू से लेके आखिरी तक किया, अल्टर कॉल किया, प्रेयर किया, आशीष मांगा और फिर वहाँ से निकल के चले गया। और उसके अंदर में एक सेटिस्फैक्शन था कि आई हैव डन व्हाट यू सेड, व्हाट यू आस्क्ड मी टू डू, आई हैव डन इट, अब मैं कर दिया हूँ करके वो चले गया। कुछ सालों के बाद बाजार में एक आदमी इसको धीरे जाके पीछे से हाथ पकड़ा, सर 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 सुनिए, बोले क्या, बोले कि आप वही हैं जो कि गोले के ऊपर खड़े हो गए जब कोई नहीं था तो लेक्चर दे रहे थे, जब बोले कोई नहीं था लेक्चर दे रहे थे, तेरे कैसे मालूम, बोले मैं अपना औजार भूल गया था, कारपेंटर हूँ, और मैं उसको लेने के लिए ऐसा झुका, उतने में आप शुरू किए, मैं वहीं बैठ गया और छुप के पूरा सुना आपका, अल्टर कॉल में मैंने रेस्पॉन्स दिया। और बोले कि आज हम 400 लोग मिलकर इबादत करते हैं। क्या था, कुछ नहीं था, मतलब ही वॉज टॉकिंग इन वेन, हवा में बात कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि आज 400 लोगों की एक कलीसिया वहां पर स्थापित हो गई है। ये है मेहनत और उसका फल, ये चीज है, इसको हम बोलते हैं विजय, क्योंकि बोलते हैं जॉन 16:33 यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33वां वचन हम सबों को मालूम है, क्या बोलता है, ढाड़स, मतलब क्या बोलता है, ढाड़स देता है, क्या मैंने इस संसार को जीत लिया है, बोलता है, मतलब मैंने संसार को जीत लिया है, कॉन्कर्ड द वर्ल्ड करता है, मैंने संसार को जीत लिया बोलता है। वैसे ही अब देखिए और ढाड़स देता है, मत्ती 9:2 में कहता है ढाड़सवान तेरे पाप क्षमा हुए, कहता है वो लकवे के मारे को बोलता है तेरे पाप क्षमा हुए, कहां लकवा और कहां पाप, ये दोनों चीज देखिए, मतलब पाप क्षमा हुए और वो चंगा हो गया बंदा। वैसे ही बोलता है मरकुस 6:50 में, शायद अभी पिछले सप्ताह में या कहीं अपन में थोड़ा सा टच किया था वो चेलों के बारे में, नाव में जाते हैं, वो बोलता है ढाड़स बांधो मैं हूँ, डरो मत मैं हूँ। और ये सब बातें याद रहेगा ना तो उसके काम करने में क्या मजा आएगा, क्या मतलब एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, कुछ नहीं हो रहा है मत होने दो, मेरे को क्या करना, प्रभु तेरा काम तू चाहता है मैं करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, मेरे को तू अपने गवाही देने को बोला मैं गवाही देता हूँ, ईमानदारी से रहने को बोला ईमानदारी से रहता हूँ, दुनियादारी से दूर रहने को बोलता है रहूँगा, ये गॉसिप वगैरह से दूर रहने को बोलता है दूर रहूँगा, डर्टी पॉलिटिक्स में मत जाने बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, अपने परिवार को ध्यान दे कहता है ध्यान दूंगा, अपने मोहल्ले पर ध्यान दे बोलता है ध्यान दूंगा, अपने काम पर तो गवाही को प्रस्तुत कर करूँगा, लोगों को जितना मिलता है तो समाचार को सुनाऊंगा, बोलने से ज्यादा अपने जीवन को दिखाऊंगा और उसमें मैं जाके मैं आई विल हैव दैट विक्ट्री, वो विजय मैं प्राप्त करूंगा। क्योंकि याद रखना शैतान, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो शैतान हमको पीछे खींचने की कोशिश करता है अपने साथ, जैसे कि क्या मतलब, मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, सुनिए, छर्रे वाली बंदूक चलती थी, मसल लोडिंग वाला गन जो है उसमें भरते थे छर्रे भर के, पूरा लोड करके उसको पैक करके चिड़ियों का झुंड जा रहा है मारे, बहुत से चिड़िए गिरे और उसमें शिकारी फिर कौन से चिड़ियों को उठाएगा, जो फुदक रहे हैं भाग रहे हैं उनको उठाएगा, उसको बोलेगा पहले भैया इतने लोग पड़े हैं इनको उठा, बोले ये तो अपने हैं मरे हैं यार कहीं नहीं जाएंगे, ये फुदक के कहीं झाड़ी में घुस गया ना निकालना मुश्किल है इसलिए पकड़ूंगा। शैतान कहता है ये थोड़ा विश्वास में आया है ना, पहला बुलेट कूद रहा है ये, इसको पकड़ लूंगा क्योंकि किसी झाड़ी में जाके कहीं जाके यीशु मसीह के क्रूस के पीछे छुप जाएगा, ये कहीं हो जाएगा, बाइबल पढ़ लेगा, चर्च जाने लग जाएगा, ये ईमान आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, तो ये जो है भटक जाएगा, शैतान उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वहां मुझको और आपको संभल के रहना है। याद रखना कि जब ये स्वर्ग के एक्स डेविल जो है ना, एक्स मतलब एक्स एंजल जो है, जो डेविल है, ये जो शैतान है जिसको लूसीफर बोलते हैं, ये जो है बहुत चालाक है या और अपना राज्य फैलाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने इस पर भी तुमको अधिकार दिया है, कैसे कि क्योंकि क्या मतलब, ये बोलता है कि फिर उसने मतलब बुलाकर दुष्ट आत्माएं और बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया करके लिखा है, मैं उसका रेफरेंस आपको बताऊं, हर लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका पहला वचन ही है, पहला या दूसरा, पहला वचन में है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, बीमारों को और सबको दूर करके दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, कोई सा भी दुष्ट आत्मा हो, ये चाहे सेना हो गेरा सेना हो, चाहे ये मूक बघीर वाला हो, चाहे ये
मूर्छा करने वाला हो, मिर्गी वाला हो, चाहे ये गाली गलौज दे के भड़काने वाला हो, चाहे ये मारपीट करने वाला हो, चाहे ये दारू पीने वाला हो, चाहे ये गाली बकने वाला हो, ये जैसा भी शैतान हो, लेकिन याद रखना कि ये शैतान को पर विजय पाने के लिए खुदा ने हमें अधिकार दे के रखा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो शैतान जो है हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हमारे विजय को रोक नहीं सकता है। शैतान हमारे नियंत्रण में रह सकता है, क्योंकि कैसे कहते यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन देखिए। उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मतलब चोर, चोर इसको मैं बोलूंगा यहां पर शैतान, डेविल कहिए। ये शैतान किस लिए आता है, टिक्की कहां काम करता है, तीन काम यहां पर समझ में आता है। पहला क्या है कि पहला ये है कि चोर काय के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। मेरी जो आत्मिक उन्नति हो रही है उसको चुराने के लिए आता है। मेरे ईमान जो बढ़ रहा है इसको कम करने के लिए, इसको चुराने के लिए आता है। मेरे अंदर में जो अच्छाइयां हैं इसको चुराने के लिए आता है, और मेरी अच्छाइयों को चुरा कर मुझसे निकाल कर मुझे खाली करके मुझे एकदम खत्म करके भाग जाएगा, चोरी करके चले जाता है। और दूसरा क्या बोलता है, घात करने को आता है, मतलब किलिंग, जीवन मारने के लिए आता है। तो मार लिया मतलब आत्मा निकल गई, खाली शरीर बच गया। शरीर क्या है, कुछ भी नहीं है, आखिर में जाके बदबू ही देगा और कुछ काम का नहीं है। लेकिन ये जो है आत्मा निकल जाएगा और शरीर बच जाएगा, और इस शरीर को नष्ट करता है और आत्मा को निकाल के शरीर को अपने वश में करता है। और देखिए शैतान ग्रस्त लोग जो है कैसे अपने आप को कब्रों में जाकर कूट पीट कर अपने आप को लहू बहाकर अपने आप को सुवरों के बीच में रखकर अपने आप को किस प्रकार से बर्बाद करके कैसे ये नष्ट होके अपने जीवन को ये खो बैठते हैं, क्योंकि शैतान ये काम करता है। और तीसरा उसके बाद क्या बोलता है, ये नष्ट करता है, मतलब किसी भी चीज को बिगाड़ देगा, नष्ट कर देगा। मतलब गाड़ी है तैयार लेकिन उसको इस तरह नष्ट कर दिया कि चालू नहीं होगी। सड़क जा रहे हैं हम, सब कुछ ठीक है, लेकिन सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि हम आगे जा नहीं सकते, मतलब हमारी यात्रा नष्ट हो गई, हमारा जीवन नष्ट हो गया। हमारे जीवन में देखिए कितनी अच्छी आदतें हैं, मतलब हमारे अंदर स्वभाव को कैसे कंट्रोल करता देखना ना। अब अपने को देखिए, आपको नबल के देखिए कि कैसे हमको उस विजय पथ से बाहर करता है। चर्च में बैठते हैं, गीत आता है, सब कुछ है, लेक्चर होता है। कई लोग को जब हम पुलपिट पर खड़े होकर देखते हैं ना, हमको दिखता रहता है सबका कि किसका आँख बंद हो जा रहा है, कौन ये है। अरे कई के तो नाक बजने लगती है यार, सो जाते हैं नींद, वहाँ तो नींद आ रही थी। चर्च छूटा, घर आ गए, घर आने के बाद क्या हुआ, टीवी चालू किए, कोई प्रोग्राम आ रहा है संगीत का या कोई गेम आ रहा है क्रिकेट का, और इसको देख रहे नींद। तो बीवी पूछेगी, वहाँ तो बहुत ऊँग रहे थे, अब यहाँ क्या कर। अरे ठहरे यार, मज़ा आ रहा है, गेम देख रहे हैं, वहाँ तो पादरी बोर कर रहा था। क्यों ऐसा हुआ, वहाँ पर ध्यान नहीं लग रहा था। ये शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे इरादों को बदलता है, हमारे मन को बदलता है, और हमें एकदम डोमिनेट करके हमको प्रेस कर देता है, हमको हटा देता है। और जैसे कि और उसके काम को जो हम करना चाहते हैं ना, उस काम को करने नहीं देता है। कैसे, मैं आपको बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं। हम जो है चर्च ख़त्म हुआ, चर्च ख़त्म होकर जा रहे थे राजनांदगांव में, तो उस समय चर्च के मेन रोड जी रोड से लगा हुआ ही हॉस्पिटल था। तो हॉस्पिटल जैसे देखे, मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि अरे रुको, मैं बोला क्या हो गया। तो बोले वो लेडी एक है ना जो पहचान की, वो जो है जल गई है, खुदान क्रिश्चियन थी, और वो बोले कि देवदास आके दुआ करेंगे करके वो खबर की है। मैं बोला आरती देखो अभी बहुत भूख लगी है, अपन चलते हैं घर, शाम को आराम से आके अपन करेंगे, चल दे घर खाना खाएं। तान के सो गए, 4 बजे नींद खुली। मैं बोला चलो, तो बोलती कहाँ। मैं बोला वो दुआ करने के लिए, बोले वो तो गई। मेरे को इतना ख़राब लगा कि मैं भूख और नींद और आराम, क्या थक गया भाई चर्च में बैठ के, कहाँ क्या आलसपन आ गया। मतलब इस प्रकार से शैतान हमारे अंदर में काम करता है कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं कल। सेल्वेशन के लिए भी मन में आता है कि अभी मैं प्रभु को ग्रहण कर लूं, बोलेगा कल। शैतान के पास सबसे अच्छा औजार है अभी नहीं कल, अभी नहीं बाद में। ये औजार जो है, ये वाला जो पुड़िया है ना दवाई का, वो लाख गुना काम कर जाता है, हर एक के अंदर में काम कर जाता है। आप अपना सोच के देखो,
कैसे हम टालते जाते हैं, मतलब ये हुआ कि हमको विजय में आगे हमको बढ़ने नहीं देता है, हमारा विजय पथ को रोक देता है। कैसे हमको आगे बढ़ने के लिए, अब सवाल ये उठता है कि हमको आगे बढ़ने के लिए करना क्या चाहिए। क्योंकि देखिए पहला योना 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारे अंदर में आगे बढ़ने के लिए विश्वास चाहिए, इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा की है। भरोसा चाहिए, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। विश्वास भरोसा हमारे अंदर में होना चाहिए, तभी जो है काम हो सकता है। पन्नालाल जी विश्वास और भरोसे के कारण ही वहाँ पर आके शुरू किए, नहीं तो वहाँ पर कुछ था नहीं करने को, और हो नहीं सकता कुछ भी। क्या हो सकता जंगल में, क्या हो सकता वीरान भूमि में, क्या हो सकता है? गैलर्ट स्टीफन ने क्या बोला, जंगल में लॉक्स हैं, लकड़ियों के पीछे मैं क्या बोलूंगा, कौन सुनेगा? बोले कोई भी सुनेगा, काम करना है मुझको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आदेश है, अगुवाई है, और वो जो बोलता है वो काम होता है। उस पर विश्वास करता हूँ, और उस पर वो हम उस पर जब हम उसके विश्वास करके उस पर आधारित हो जाते हैं ना, फिर जाते हैं ना, इतना आनंद आता है काम करने में कि फिर पीछे मुड़ने का कोई चांस दिखता ही नहीं है। शुरू शुरू में गड़बड़ी होगी, शुरू शुरू में निराशा होगा, लेकिन चलते 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 इतने पक्के हो जाते हैं कि फिर शैतान भी बोलता है, भैया तेरे साथ हाथ जोड़ता हूँ, तेरे साथ कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि बोला है याकूब 4:7 में बोलता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये मैं पढ़ाऊँ याकूब 4:7 से पढ़ा हूँ कि शैतान तुम्हारे पास से भाग के निकल जाएगा। कई अनुभव है मेरे पास, मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इस चीज़ पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना है, पहली चीज़ हमको चाहिए हमारे अंदर में विश्वास, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ हमको चाहिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ ना, कोई कहीं की थ्योरी और कहीं का कोई थियोलॉजी या कहीं का ये कोई साइकोलॉजी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात, मेरे को विश्वास चाहिए मेरे प्रभु पर। दूसरी बात और जी, मेरे शब्द मेरे मुंह से होने चाहिए। क्यों? शब्द मतलब शब्द क्या है, जैसे बोलते क्या है? शब्द ही यही परमेश्वर है, शब्द यही शब्द से उसने सारे सृष्टि की है, और इसी शब्द से जो है, यही शब्द जो है देहधारी हुआ, और यही शब्द जो है, यही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और ये वर्ड्स मतलब शब्द मतलब वर्ड्स होना चाहिए। ये कैसे, डेविल जो है हमको कब्र में डालता है, और यीशु मसीह जो है हमको पुनरुत्थान देता है। मतलब डेविल पुट्स अस इन ग्रेव एंड जीसस गिव्स अस रिजरेक्शन, वो हमको उठा के खड़ा करता है। क्योंकि रिवोल्यूशन ये प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 11वें वचन में क्या बोलता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपने ही गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? वही शैतान पर, इबलीस पर, वो उन लोगों ने विजय प्राप्त किया। मतलब क्या हुआ कि बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमोनी दे हैड दैट विक्ट्री, बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमोनी, उनके शब्द के अनुसार, उनके शब्द के कारण उन लोगों ने वहां पर विजय प्राप्त किया है। ये पहली चीज में बताया विश्वास होना चाहिए, और दूसरी चीज मैंने बताया शब्द होना चाहिए, मतलब गवाही होना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, हमको बताना चाहिए, अपनी गवाही देना चाहिए, यीशु मसीह का नाम बताना चाहिए, हमको जहां मौका मिले ये गवाही प्रस्तुत करना चाहिए। ये शब्द हमारे अंदर में होंगे तो हम विजय होंगे, यदि शब्द मुंह में नहीं होंगे हम पराजय हो जाएंगे, विक्ट्री हमारे अंदर में नहीं होता है। और तीसरी चीज मैं बताऊं, हमारे अंदर में कर्म होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। विश्वास के साथ शब्द होना चाहिए, मतलब बोलना भी होना चाहिए, और साथ में कार्य भी होना चाहिए। मतलब कार्य क्या है कि गॉड हैज गिवन दैट अथॉरिटी, परमेश्वर ने वो अथॉरिटी हमको दिया है। जैसा कि लूका 9:1 में मैंने पढ़ के आपको बताया था कि क्या बोलता है, 12 को बुलाया, दुष्टात्मा बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार उनको दिया है। किनको? 12 चेलों को, जूडस भी है उसमें, 12 चेलों को दिया। अब देखिए ये चेले हैं, अनुयायी अलग हैं, अनुयायी मतलब जो सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, ये नहीं हैं, ये जो चेले हैं, यदि हम उसके चेले बन जाते हैं, हम उसके अनुसार चलने लगते हैं, उसको अपना गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये अधिकार हमारे अंदर में है। शैतान को बोलो बैठ तो बैठेगा, शैतान को बोलो उठ तो उठेगा, भागो तो भागेगा। मैं आपको बताऊँ एक छोटी चीज़, मैं जल्दी से आपको बता के ख़त्म करूँगा। राजनांदगांव में ही
एक फैमिली है जहाँ पर हमारी बाइबल सोसाइटी की एक थी, उसमें गृहमंत थे, विक्टर दास थे, दान सिंह थे और कुछ कुछ लोग थे और सब हम लोग जाते थे। एक घर में प्रेयर मीटिंग था, लाइन के उस पार जाना था। हम जहाँ के देखे तो वहाँ पर वो लेडी बड़े खटिया पे बैठी हुई है और एकदम वहाँ पर अगरबत्ती अगरबत्ती चल रहा है और बड़ी बड़ी आँखें लेके, मतलब शी वाज डेविल पजेस्ड। वहाँ पर हम लोगों ने सबको खाली कराया और घुटने टेक के दुआ किया और शैतान उसको छोड़ा। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम बोले कल फिर आएंगे, क्यों 7 बजे आता है बोले, तो फिर ठीक है। दूसरे दिन गया, जैसे गया ना तो जेडी आ रही थी, लेवल क्रॉसिंग गेट बंद था, तो मैं थोड़ा देर हो गया और फिर मैं गया, देखा तो कोई है ही नहीं, कोई भाई लोग नहीं आया, अकेला मैं हूँ। और वो ही भीड़ वहाँ पर थी और उसमें खटिया के ऊपर से ऊँचे वाला खटिया बड़े बड़े आँख करके वो मेरे को बोलती अभी तेरा 7 बजा है। मैं बोला गए रे बेटा, बोला प्रेज द लॉर्ड, मैं फंसाता हूँ खुदा, अब तू ही मेरा सहारा है और कौन कर सकता है। उतने में घुटना टेका और प्रार्थना करना शुरू किया जोर जोर से, और डरता क्या नहीं करता, मर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के दुआ करने लगा। उतने में देखा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करके एकदम विक्टर दास की आवाज़ आई, ग्रहमन साहब की आवाज़ आई, धन सिंह की आवाज़ आई, मैं फिर मेरे साथी लोग हैं वो भी दुआ करने लगे और छूट गया। उसके बाद ठीक है, तीसरे दिन तो कोई नहीं आया, कुछ कुछ काम था लोगों को, मैं अकेला गया, जाके बैठे, सब शांत था, आराम से थे। फिर बोले बहुत देर बातचीत किए, चाय वाय पिए, फिर मैं बोला अब जाता हूँ बोलने किया। उतने में उनके यहाँ एक गेस्ट लड़की आई थी, 16-17 साल की लड़की, करके दंड से गिरी। अब मैं बोले एक और केस आ गया, आप विश्वास करिए, मैंने उसको दुआ करने के लिए उसके तेल लगा के उसके सिर पर लेटी हुई थी, हाथ रख के दुआ करने का ना, मेरे हाथ को पकड़ी और वो लड़की जो 15-16 साल की लड़की जो पकड़ी, तो मेरे को लगा कि ये दोनों हड्डी मेरे जुड़ जाएंगे और मेरा हाथ टूट जाएगा, इतना कड़ा पकड़ी थी। अब मैं उसके लिए दुआ करूं कि अपने लिए दुआ करूं? मैं फिर बोल खुदा पहले तू इसको छोड़ा, तब मैं समझूं कि तू जीवित परमेश्वर है, फिर मैं इसके लिए दुआ करूंगा। फिर देखे धीरे 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 उसका हाथ गिर गया, फिर इसके बाद दुआ किया, उठ के खड़ी हुई, ठीक हुई, परमेश्वर को धन्यवाद दिया हम लोगों ने, सब घुटना देख के प्रेयर किए, हो गया। कई साल बाद धमतरी शायद गया था, तो वहाँ के हॉस्पिटल में या कहीं तो भी वहीं पर वो लड़की मिली, बोली अंकल आप पहचानते हो? बोला कौन? वही वाली। बोला हाँ समझ गया। ये कौन किया? खुदा किया, ये शक्ति देता है। और क्या बोलता है? मैंने तुमको दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य दी है, दुष्ट आत्माओं पर वो विजय दिया है हमको, हमारे लिए विजय है, विजय हमारा है, विजय हम प्रभु में है। और देखिए जब तक हमारे अंदर में प्रभु की आवाज़ गूंजती रहेगी ना, प्रभु की बुलाहट हमारे अंदर में होगी ना, हमारे कानों में उसका आवाज़ होता रहेगा ना, हमको सलीबी लहू दिखता रहेगा ना और सलीबी कुर्बानी याद करते रहेंगे ना हमको। मैं बताऊं कि नींद बीच रात में भी यदि खुल जाए, याद आता है तो आँख गदगद होके एकदम प्रफुल्लित होके आनंदित होके कहते हैं खुदावन तू जीवित परमेश्वर है, आज मेरे साथ में प्रेज द लॉर्ड, मैं यहाँ हूँ, चाहे जहाँ कहीं भी हूँ, जिस भी परिस्थिति में हूँ, मैं तेरा हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं तुझसे चाहता हूँ। अब सुनिए, देखना रूपेश अभी गाने वाला है, तीसरा अंतरा, जीवन नया जो मैं चाहता हूँ, मुक्ति का देने हारा तू ही है, हाँ सारी उद्धार देने वाला जो है मेरा प्रभु यीशु मसीह है, नया जीवन मुझको दे दे खुदा, पुराने स्वभाव को दूर कर दे, मेरी पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, पुराना सोच, पुरानी चीज़ें सब दूर करके एक नया मन दे, मित्रता दे, स्वभाव अच्छा कर दे, मैं दूसरों से प्रेम कर सकूं, दया कर सकूं, दूसरों को आकर्षित कर सकूं, दूसरों के गुनाहों को माफ़ कर सकूं, दूसरों को मैं एक नया जीवन दिखा सकूं, एक ज्योति दिखा सकूं। और क्या कि मेरे प्यारे मसीह तू ही है, मेरा खुदा तू ही है, तेरे सिवा मैं कहाँ जाऊँगा, किससे मांगूँगा। और इसी गीत को हम सुनते हैं, आइए हम बड़े अदब के साथ अपने हृदय से इस गीत को सुने। जीवन नया जो मैं चाहता, जीवन नया जो मैं चाहता, मुक्ति का देने हारा है तू, जीवन नया जो मैं चाहता, देने आ रहा है तू, नया जीवन तू दे मुझे,
पड़ेगा मेरे खुदा, दूर कर मेरे गुनाह, मेरे मसीहा मेरे खुदा, दीन की राह बता, मेरे मसीहा मेरे खुदा, दूर कर मेरे गुनाह। हमारे दयालु परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हमें तू विजयी जीवन देता, विजयी खुदावंद, विक्टोरियस लाइफ तू दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये विजय का फताका लिए हुए खुदावंद हम तेरे स्वर्ग राज तक पहुंच सकें, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। आज की परिस्थितियों के लिए दुआ करते हैं, हर तेरे दास दासी के लिए दुआ करते हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, हॉस्पिटल्स में हैं उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जितने तेरे मिनिस्ट्री में उनके लिए दुआ करते हैं, जितने तेरे दास दासी हैं उनके लिए दुआ करते हैं। अभी भी जो वचन सुने खुदा, हर एक को तू आशीषित कर, जिसको जैसी आवश्यकता वैसे तू दे खुदावंद। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम आशीष ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आज से लेकर सदा सदा लो बनी रहे, आमीन।